सब देश में वोट प्रधानमंत्री ले रहे हैं, मोदी के ले रहे हैं मोदी जी, मोदी मोदी देखा है तो ये तो मोदी को था, मोदी को भगत हो कहीं लगे मोरिया बुला शो कटका काटो मोरिया क्यों बोला मान ध्यान को नहीं रखी कटका काटे वही ध्यान को नहीं मान मोरिया बुला शो कटका काटो वोट दे दिया मैं तो कांग्रेस ने दिया वोट कांग्रेस ने तो इन कटको काट शो कौन आगे है काउडो लगे बेटा मन काउडो तो है आगे कौन है गांव में आगे आवाज में ही वोट तो आज चुरु जिले का एक गांव है निकट सीमा नागौर के पास पड़ता है, यहाँ पे लगभग 600 वोट हैं और गांव की चौपाल बैठी है, लोग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव है लोकसभा का, जहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा और भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के बीच में सीधी फाइट है। हम बातचीत करेंगे लोगों से, क्या माहौल लग रहा है आपकी बार भाजी जी, तो वोट तो देखियो माहौल ठीक ही है, कौन आगे रहिए कसू आगे रहे कटको निकाल सो के फटकारा लगा सो कटका निकालना निकाल वो गरी बात वो कटका कोई काडीड़ा को निकला पंचायत का है जिले का जिला का पंचायत समिति से वोट है पंचायत वाला देखा है मोदी को वक्त था मोदी को वक्त हो मोदी को तो यार वक्त बोला बहस नहीं मैं तो ठेठका ही हम का पिछली बार भी दी होगी हां सदा काहे के नो तो बाबूजी नवार कोने कान पर कटे किसी जगह लाग जा के ठपड़े अब की बार के दे रहे हो ना पहले को दिया जड़ दे दिया काई लगे मोरिया बुला शो कटका काटो मोरिया तो बोला मान ध्यान को नहीं रखी कटका काटे वही ध्यान को नहीं वोट दे दिया वोट दे देनो तो देश ये बता दे मोरिया बुला शो कटका काटो वोट दे दिया मैं तो कांग्रेस ने दिया वोट कांग्रेस ने तो इन कटको काट शो अब नहीं सर काई देख काई कण तो ई बार काई लगे कौन आगे है काउडो लगे बेटा मन काउडो तो है आगे कौन है गांव में आगे आवाज में ही वोट तो कुछ आदमी और बैठे हूँ बातचीत कर हाँ बाबू जी बताओ कौन देशी आगे मान देखे भागा को टोरो है तो चिप गया लाग दिया कहीं कहना तो युवा बैठे प्रधानमंत्री साफ देश में प्रधानमंत्री ले रहे मोदी जी मोदी मोदी ए गांव का लोग है कई मोदी के पक्ष में भी है मोदी ने देख वोट दे सिर कई कांग्रेस के पक्ष में भी है। तहसील का गांव सारंगसर जहां से लोग बाग बैठे हैं ताश का आनंद ले रहे हैं, ताश पत्ती दिन में बैठे रहते हैं और चुनावी हलचल चर्चा भी करते हैं, यहां पे लोग बैठे बातचीत करेंगे क्या रहेगा माहौल कौन रहेगा आगे बताएं क्या रहेगा माहौल कौन रहेगा आगे बीजेपी बीजेपी में कौन है कैंडिडेट देवेंद्र झाझड़िया तो गाँव में कितने वोट हैं 2300 वोट है 2300 वोट है पिछली बार विधानसभा में कौन रही थी आगे विधानसभा में बीजेपी बीजेपी आगे रही थी इस गांव में तो इस बार आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं वोट मुद्दे बहुत सारे हैं साहब धारा 370 है मोदी जी का नेतृत्व है राम जन्मभूमि है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं कौन से गिनाए आपको क्या कहना चाहेंगे किसको वोट दे रहे हैं अबकी बार वोट तो देते हैं ना वोट तो बीजेपी को दे रहे बीजेपी को दे रहे हैं कांग्रेस का राहुल कस्बा भी है तो सर क्या कहना चाहेंगे उनको मैं दे दूंगा आप देोगे हाँ कितनी बार किसको दिया था आरएलपी को तो आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी का सब कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि कटको काट देते हैं बीजेपी का पूरे वोट बीजेपी के हैं यहाँ के लोग काफी बीजेपी के हैं यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं एक और हमारे बीच में सरपंच आ गए हैं उनसे बातचीत करेंगे क्या माहौल है कटको काट शो मोरिया गुलाशो कटको काटो मोरिया गुलाशो कटको मोरिया लो सिस्टम को नहीं शांतिपूर्ण है जो राहुल जी कसवा ने वोट दे और शानदार तरीके राहुल जी कसवा जगह चुनाव जीत रहे राहुल जी क्या उनसे बातचीत करें इस बार क्या कटका काटोगे मोरिया बुला शो मोरिया तो बोलने आपके चुनाव में
कटको काटशो कि मोरिया बुलाशो? मोरिया बुला कटको मोरिया बुलाशो देखा जानो तो मोरिया बुलाशो कटको मोरिया बुलाशो थे मोरिया बुलाशो मोरिया बुलाशो मोरिया बुलाशो मोरिया बुलाशो कटकर मोरिया दन्ने कटको मोरिया बुलाने शाम लो पुणे सामने जा दियो कटको काटो अब के बार अब अर्जी सा सुन मैंने ये मौज बोलो ए लोग मोरिया कोन बुला कटको काटने की बात करे कई करे मोरिया बुलाशा गांव हरंगसरू गांव के बीच में हेलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।